मेन जहां से लोग ले जाते हैं, हमारी कोशिश चल रही है हम वहां तक पहुंच पाए। पिछले बार भी मैंने कहा था कि हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने पुनः एक छुड़िया चौकी चिचोला अपनी साइबर टीम को लगाया था। मिल रहे थे कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व लोग अवैध नशीली पदार्थ का परिवहन करते हैं। इस पर से हमने पूर्व में भी एक ग्रुप को पकड़ा था और उसी की सूचना पे हम लोगों ने फिर एक ग्रुप के बारे में पता चला जो कि रोड के रास्ते से आ रहे थे और उन्होंने इस बार जो रूटीन में जो बस चलती है उसमें सफ़र कर रहे थे। इस पर से हमारी चेकिंग टीम जिसमें कि थाना छुरिया और साइबर की टीम थी और उसमें चेक करने पे तीन संदिग्ध लोग मिले और उनके पास से ब्राउन शुगर मिला जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.75 लाख है। उनके पास से 3 मोबाइल भी मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वो मोहन नगर दुर्ग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें खास बात है कि दो लोग ऑलरेडी पूर्व में जेल जा चुके हैं। एक के खिलाफ 302 IPC और 307 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और दूसरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट और 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। तो निश्चित ही ये आपराधिक गतिविधियों में पूर्व से संलिप्त हैं और राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता के चलते ये तीनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और इनसे हम और भी पूछताछ किए हैं जिसमें कुछ लोगों का नाम आए हैं सामने। हम उनकी भी हम लगातार हमारी एक टीम उस पर काम कर रही है और मिलने से और भी खुलासा हो सकता है। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस की बहुत बड़ी सफलता।